तो मैं आज की इस वीडियो में आपको चार अंकों की जो मल्टीप्लाई होती है ना, 4 डिजिट की मल्टीप्लाई का शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा। अगर इसे आप मल्टीप्लाई करोगे नॉर्मल तरीके से, तो इसकी चारों में मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसके चारों में मल्टीप्लाई करके फिर इतना जोड़ोगे, नीचे कितना तक भर जाएगा तो टाइम लगेगा। लेकिन ये जो 4 डिजिट की मल्टीप्लाई है ना, वैसे तो अगर आपको, आपने मेरे 2 डिजिट वाले देखे हैं, 3 डिजिट वाले देखे हैं, तो 4 डिजिट का भी आपको आराम से आएगा, ठीक है। तो 4 डिजिट का जो मेथड है ना, वो 7 स्टेप में कंप्लीट होता है। अभी आप कहेंगे 7 स्टेप, भाई ये तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे 1-2 क्वेश्चन में, अभी आपको मैं सिखाऊंगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर यही क्वेश्चन मेरे को खुद करना होता तो मेरे को कुछ ही सेकंड लगते। तो मैं आपको स्टेप वाइज बताऊँगा, ठीक है, और आप स्टेप को ढंग से देखना। 7 स्टेप में कम्प्लीट होगा। 4 डिजिट है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो वैसे ही आपको ये बनाने गोले, 1 2 3 4, 1 2 3 4। पहले स्टेप में पहले वाले की पहले वाले से होगी, 5 थी 15, तो इकाई का अंक लिखेंगे, यूनिट का जो डिजिट है वो लिखेंगे, 15 का 5, और कैरी कितना आ जाएगा, 1, तो कैरी वाला 1, हासिल वाला 1 आपको वैसे ही रखना है। दूसरे स्टेप में क्या होना होगा, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, यानी कि इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ क्या करनी है, गुणा, 3 दुनी 6, 5 एकम 5, जोड़ोगे 6 5 11 और 1 12, ठीक है ना। तो 12 का क्या लिखा जाएगा, 2, फिर से हासिल कितना है, 1, ठीक है। दूसरा स्टेप भी हो गया, दूसरा स्टेप हो गया। अब तीसरे स्टेप में आ जाओ, पहले स्टेप में 1, दूसरे स्टेप में 2, तीसरे स्टेप में 3 नंबर लेंगे, ये वाला छुपा के, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, बीच वाले के बीच के साथ, यानी कि इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, क्या करनी है, गुणा, 3 8 24, 2 5 10, 1 2 2, जोड़ दो, 5 और 2 7 37, 37 का क्या लिखूँगा मैं, 7, हासिल कितना हो जाएगा, 3, हासिल कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि हासिल को नेक्स्ट स्टेप में जोड़ना होता है। ये स्टेप भी हो गया, ठीक है, ये स्टेप भी हमारा आराम से हो गया। अब हम आएंगे चौथे स्टेप, अब चारों लेने हैं, चौथे स्टेप में चारों, चौथे स्टेप में ध्यान से देखो, पहले वाले की लास्ट से, मतलब लास्ट वाले की पहले से, और इधर से पहले वाले की लास्ट से, और बीच वाले का क्रॉस करना है, बीच वाले दो का, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ठीक है, दिख रहा है ना, समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पर हमारा नंबर कितना था, 3 था। अब देखो इसकी इसके साथ होगी ना, पहले वाले का लास्ट है, 7 या 21, ठीक है। अब इसका इसके साथ, 3 5 15, ठीक है। अब बीच वाला इसका इसके साथ, 2 2 4 और 1 8 8। अब इन सबको क्या करना है, जोड़ना है, देखो 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 4 13, 13 और 8 21, हासिल लगा 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, ठीक है। तो इकाई का अंक लिखा जाता है, क्या जाएगा, 1, और हासिल कितना हो गया, 5, ठीक है, हासिल कितना हो गया, 5। ये हमारा चौथा स्टेप भी हो गया, हासिल 5 है हमारे पास, ठीक है। अब आएंगे हम 5वें, अब पहले 4 तक पहुँचे, अब 3 में आएंगे, 3 2 1, रूल समझ में आ रहा है ना, पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, अब 4 से फिर कम होगा, 3 2, फिर 1, ये रूल होता है। अब 3 लेना है, अब लास्ट से चलना है, पीछे से, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, और बीच वाले के इसके साथ, यानी कि इसकी इसके साथ, 3 दुनी 6, इसकी इसके साथ, 7 एकम 7, और इसकी इसके साथ, 2 8 16, जोड़ो, 6 5 11, 11 और 7 18, 18 और 6 24, हासिल लगा 2 और 1 3, 34 हुआ, 34 का 4, हासिल कितना लग गया, 3, हासिल लग गया 3, ठीक है। ये स्टेप ख़त्म हो गया। नेक्स्ट स्टेप में 3 के बाद 2, 2 में क्या होगा, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, तो 2 7 14, 3 8 24, जोड़ना है,
सात और चार 11, हाँ हासिल लगा एक, एक और दो तीन और एक चार 41, 41 का एक हासिल लगा चार। ठीक है, दो का हो गया। अब सिंगल डिजिट लास्ट वाले का, लास्ट के साथ 3 7 21, 21 और 4 25, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, आराम से बन गया। तो ये क्वेश्चन भी हमने इजीली कर लिया है। देखो, आपको थोड़ा क्वेश्चन को समझने में ज़्यादा आसानी होगी तब जब आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि स्टार्टिंग क्या है, 7 स्टेप में होगा। पहले एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, चार के बाद फिर कम हो जाना शुरू हो जाएगा लास्ट के। इधर से 3, फिर इधर से 2, फिर इधर से 1, उल्टा। ठीक है, 7 स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे कुछ ही सेकंड में जब प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन खुद से देता हूँ होमवर्क के लिए। जो पहले वाला क्वेश्चन कह रहा है ना, आप उसको प्रैक्टिस करना, उसके बाद जाके ये क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूँ, 2 3 4 7 8 1 0 5, इसकी मल्टीप्लाई आपको करनी है और कितना सेकंड आपको लगता है और आपका आंसर क्या आता है प्रॉपर लिखोगे। और जिसका सही होगा उसका मैं रिप्लाई करूँगा और नेक्स्ट वीडियो में उसके कमेंट को दिखा के उसका नाम भी लूँगा। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना। ऐसे ढेर सारे वीडियो मैंने बना रखे हैं जिसकी लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। जय हिंद।